नमस्कार, मैं हूँ आजल। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। बनबसा भारत नेपाल सीमा के बेजवस गिरफ्तार, आरोपी दीपक सिसोदिया के बेजवस एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल की बाइट उपलब्ध है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के करीबी और उत्तराखंड के फरार इनामी गैंगस्टर दीपक सिसोदिया को उत्तराखंड एसटीएफ चंपावत के बनबसा भारत नेपाल बॉर्डर से किया गिरफ्तार। दीपक सिसोदिया मुंबई के खोजी पत्रकार जेडे की हत्या का दोषी है, जो पैरोल पर छूटकर अपने घर हल्द्वानी आया था और वापस जेल जाने के बजाय फरार हो गया था। उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत फरार गैंगस्टर और इनामी अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। जेड़े हत्याकांड के दोषी दीपक सिसोदिया के चोरी छिपे नेपाल से हल्द्वानी आने जाने की सूचना एसटीएफ को मिली थी, जिसके बाद सीओ एसटीएफ सुमित पांडे के नेतृत्व में गठित एसटीएफ टीम के द्वारा इनामी गैंगस्टर दीपक सिसोदिया को चंपावत जनपद के भारत नेपाल बॉर्डर बनबसा से गिरफ्तार किया गया। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल के अनुसार दीपक सिसोदिया वर्ष 2011 में मुंबई में हुए पत्रकार जेडे की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा था। वर्ष 2022 में जनवरी माह में मुंबई की अमरावती सेंट्रल जेल से पैरोल पर छूटकर हल्द्वानी आया था, जिसे मार्च में वापस जेल में जाना था, लेकिन दीपक सिसोदिया पैरोल से फरार हो गया, जिस पर मुंबई पुलिस ने थाना हल्द्वानी में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर एसएसपी नैनीताल ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। छोटा राजन के इस गुर्गे को गिरफ्तार करने के लिए उत्तराखंड पुलिस पिछले एक साल से प्रयास कर रही थी, लेकिन दीपक सिसोदिया के नेपाल में छिपे होने के कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। एसटीएफ को जब सूचना मिली कि दीपक सुबह सुबह हल्द्वानी आने वाला है, तो टीम ने भारत नेपाल बॉर्डर बनबसा में जाल बिछाया। दीपक फ्रॉड फिएस्टा कार से नेपाल से बनबसा पहुंचा ही था कि एसटीएफ की टीम ने बनबसा रेलवे स्टेशन के पास से उसे धर दबोचा। दीपक को बनबसा से लाकर हल्द्वानी थाने में लाया गया है, जहां से मुंबई भेजा जाएगा। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि दीपक दलवीर सिंह सिसोदिया 50 पुत्र दलवीर सिसोदिया निवासी जीतपुर नेगी थाना हल्द्वानी जनपद नैनीताल को मुंबई की कोर्ट ने महाराष्ट्र को खोजी पत्रकार जेडे की हत्या शामिल होने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तब से वह महाराष्ट्र की अमरावती सेंट्रल जेल में बंद था। बताया कि जनवरी 2022 को उसे 45 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था। उसकी पैरोल की अवधि मार्च में खत्म होने पर अमरावती जेल वापस जाना था, लेकिन वह फरार हो गया। दीपक सिसोदिया हल्द्वानी का रहने वाला है। दीपक ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन गैंग के शूटरों के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। देखिए, 2011 में मुंबई में एक पत्रकार की हत्या की गई थी, और जिसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया था कि छोटा राजन गैंग के द्वारा इसकी हत्या को कारित किया गया था। इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, जिन लोगों पर को गिरफ्तार भी किया गया था। इनमें से एक दीपक सिसोदिया नाम का अभियुक्त था, जिसके द्वारा वेपन सप्लाई किए गए थे इस गैंग को, जो कि घटना में प्रयोग किए गए थे, और उसको वहाँ पर मुंबई पुलिस के द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। और ड्यूरिंग ट्रायल के बाद में इसको उम्र कैद की वहाँ पर सज़ा हुई थी, और ये अमरावती में इस सज़ा को काट रहा था। इसी बीच इसके द्वारा जनवरी 2022 में पैरोल पर ये आया था। ये मूल रूप से हल्द्वानी का रहने वाला है, और 45 दिन की इसकी पैरोल हुई थी, लेकिन ये पैरोल का पीरियड ख़त्म होने के बाद वापस नहीं गया और फरार हो गया था। तो उस संबंध में मुंबई पुलिस के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, और वो जो कि हल्द्वानी में ट्रांसफ़र हुआ था, और हल्द्वानी पुलिस के द्वारा पिछले 1.5 साल से ही, क्योंकि फरार चल रहा था, इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तो इसमें हमारी एसटीएफ की टीम लगातार लगी हुई थी इसको ढूंढने में, और हमें कुछ सूचनाएं मिल रही थी कि ये नेपाल में छुपकर रह रहा है, और बीच बीच में अपने परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर भारत में आता है। तो उसी सूचना को डेवलप करते हुए हम नेपाल बॉर्डर पर बनबसा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है, और इसको हल्द्वानी थाने में दाखिल किया गया है। और ये काफ़ी नोटोरियस वो था, काफ़ी 1.5 साल से यहाँ पे फरार चल रहा था, उम्र कैद की सजा इसको ऑलरेडी हो रखी थी। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज़ के साथ।